कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बिस्तर पर सो रही होती है और जब वो गहरी नींद में होती है कोई उसका ब्लैंकेट आके खींचता है जिससे कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो चेक करने के लिए बिस्तर पर बैठती है तो पीछे से कोई उसके बाल खींचकर उसे फिर से सुला देता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का बाप ही था। वो लड़की अपने पिता से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो, लेकिन उसका बाप उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे चुपचाप घूरने लगता है और अपनी बेटी के शरीर को गंदी नजरों से देखने लगता है। फिर वो अपना सिर नीचे करके बड़ी ही अजीब तरह से बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब यह लड़की डर से कांपने लगती है। उसका बाप उसके बाल को तो छोड़ देता है लेकिन फिर उसके गाल को सहलाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर वो लड़की अब रोने लगी है और वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो बोल पाती उससे पहले ही उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस लड़की की माँ खाना बना रही होती है और उस लड़की का नाम मैरी होता है, जो सोच रही होती है कि मेरे साथ कल रात को जो हुआ क्या मुझे उसे मॉम को बताना चाहिए। तभी उसकी बड़ी बहन सीढ़ियों से नीचे आती है और उसका छोटा भाई भी वहाँ पर आ जाता है। तभी उसका पापा भी आता है और वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। तो मैरी अपने पापा के बारे में सोच रही थी कि वो कल रात उसे कैसे दिख रहे थे और आज सुबह वो बिल्कुल ही अलग थे। अब मैरी यहाँ से उठकर चली जाती है। तभी उसकी मॉम आती है और ज़ोर से खाना टेबल पर पटकती है। तभी हम देख पाते हैं कि इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी मॉम खाने को इस तरह से खा रही थी जैसे कि कई दिनों से उसने खाया ना हो। मॉम को ये सब करते हुए देख कर सब डर जाते हैं और आगे मैरी का छोटा भाई अपना खाना टेबल पर ही उगल देता है और कहता है कि इसमें नमक बहुत ही कम है। तभी उसकी मॉम खाना उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। इस फैमिली को आखिर हुआ क्या है? जब से ये लोग एक नए घर में रहने आए हैं तब से इनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती है। कभी उनके पड़ोसी उनके गार्डन में एक बड़ा सा स्टैचू लगा देते हैं तो कभी उनके खिड़कियों के बाहर मरे हुए जानवर को लटका देते हैं और हर रात को पिता अपनी बेटी के साथ अजीब अजीब सी हरकतें करता है। ऐसे ही इनकी फैमिली के साथ हर रोज ऐसी नई नई घटनाएं होती रहती है, जैसे कि इनकी मॉम का अचानक गुस्सा हो जाना और टेबल पर रखा खाना फेंक देना। वो अपने बेटे से चिल्ला कर कहती है कि चुपचाप जो बनाया है वो खा लो और ये देखकर उसका बेटा रोने लगता है। इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन मैरी हॉट बाथ ले रही होती है तभी उसके बाजू में कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो कांच को साफ करके देखती है तो उसकी बहन उसे डरा रही होती है। मैरी ये सब देखकर बहुत डर जाती है लेकिन उसकी बहन उससे मजाक कर रही होती है। फिर ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती है। अब मैरी उसकी बहन को बताती है कि कैसे उसके डैड रोज रात उसके कमरे में आकर अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। उसकी बहन को यकीन नहीं होता कि ये सब उसके साथ हो रहा है। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली होती है। ये दोनों कुछ बोल पाए उससे पहले ही उनके डैड एक चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैरी उनको धक्का देकर अपनी बहन को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी उनके सामने उनके डैड वापस आ जाते हैं और मैरी को पकड़ लेते हैं। वो उन दोनों को थोड़ी देर देखते हैं और फिर मैरी को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं जिससे मैरी बेहोश हो जाती है। अब मैरी की बहन एना वहां से डरकर भागने लगती है। वो जब भाग रही होती है तब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे होते। अब डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर वापस आते हैं। अब मैरी को होश आ जाता है। वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। तभी उनको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके डैड एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उसे मारने के लिए खड़े होते हैं। उसके डैड जैसे ही उसे मारने के लिए हथौड़ा उठाते हैं एना जोर से चीखती है जिससे उसके डैड रुक जाते हैं। एना एक फ्राई पैन से उसके डैड के सर पर जोर से मारती है लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता। अब उसके डैड एना को भी मारने के लिए जाते हैं लेकिन जैसे ही वो मारने के लिए जाते हैं नीचे से एक जानी पहचाने सी आवाज आती है। वो उनके असली डैड की थी। उनके असली डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़ा फेंक कर ऊपर के रूम में चला जाता है। अब असली डैड ऊपर आते हैं जिनके चेहरे पर बहुत सा डर था। वो अपनी बेटियों को देख रहे होते हैं जो कि उनसे बहुत ही डर रही होती है। अब डैड का पैर हथौड़े पर पड़ता है और वो देखते हैं कि दरवाजे में एक बड़ा सा होल बना हुआ है। अब डैड उनको पूछता है कि क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन ये दोनों
उसका कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। तभी उनका छोटा भाई यहाँ पर आ जाता है। मैरी और एना अपने छोटे भाई को भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी इनकी मॉम आती है और नीचे पड़े हथौड़े को उठाकर गुस्से में देख रही होती है। वो इनके पास आती है और अचानक से उनके डैड पर हमला करना शुरू कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डैड को धक्का मारकर गिरा देती है। तभी हम देख पाते हैं कि इनकी मॉम एक अजीब तरह की स्माइल करती है और एक कांच के ऊपर पैर रख के एक रूम में चली जाती है, जैसे कि उसको कोई भी दर्द ना हो रहा हो। लेकिन तभी नीचे से एक औरत की आवाज़ आती है और वो इनकी असली मॉम होती है। वो यहाँ ऊपर आती है और देखकर डर जाती है। वो इन सब से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उनसे सब डरने लगते हैं। अब ये दोनों डर कर एक रूम का दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें वो हथौड़े वाली मॉम गई थी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं होता, सिर्फ फर्श पर वो हथौड़ा पड़ा होता है। उनकी मॉम अपने बेटियों के साथ जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन एना और मैरी उनकी मॉम से बहुत ही डरने लगती है। अगले दिन डैड उनके भाई को घर बुलाते हैं जो कि एक चर्च का फादर होता है। फादर इनके घर में आ जाता है। वो बताता है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन उनके डैड इन सारी घटनाओं को नहीं मानते। वो नास्तिक होते हैं, यानी कि वो भूत और पिशाच में यकीन नहीं करते। रात को ये सब डिसाइड करते हैं कि वो सब एक ही साथ एक ही कमरे में सोएंगे, लेकिन आधी रात को वो छोटे बच्चे को टॉयलेट लगती है और वो बिना किसी को बताए टॉयलेट के लिए चला जाता है। लेकिन उसके पीछे से उसका हमशक्ल यानी कि कोई बहरूपिया आता है और चाकू लेकर फादर पर हमला करने लगता है, लेकिन ये रुक जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इसको किसी चीज़ ने रोक दिया है। तभी ये फादर अपनी आंखें खोल देते हैं और कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम इस फैमिली का बाल विवाह नहीं कर पाओगे। अब फादर को पता चल चुका था कि वो इस चीज़ से अकेले नहीं लड़ सकते, तो वो एक फ़ोन लगाते हैं और अपने सीनियर से हेल्प मांगते हैं। वो सब बैठकर एक मीटिंग बुलाते हैं और इस बात पर सोच रहे होते हैं कि इनकी फैमिली के साथ हुआ क्या है, और वो सब मिलकर भूत भगाने वाली पूजा का प्लान करते हैं। ये फादर्स बहुत पावरफुल होते हैं और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी होते हैं। शाम को ये फादर एक गाड़ी लेकर उनके घर पर जाने के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक कौवा इनकी गाड़ी के कांच में आकर टकरा कर उनकी गाड़ी का कांच तोड़ देते हैं, जिनसे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ डैड अपनी बेटी मैरी को एक बेड से बांध देता है। मॉम उनसे ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन डैड उनसे बताते हैं कि ये सब सीख करने का यही एक रास्ता है। देर रात को इनके यहाँ पर खून से लथपथ फादर आते हैं और कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सारे के सारे फादर्स मर चुके हैं। अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। ये फादर मैरी को बेड पर बंधा हुआ देखकर कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने किसी भूत को भगाने की कोशिश की थी तो उस भूत ने इनकी फैमिली को मार डाला था। उनको डर लग रहा था कि ऐसा कुछ फिर से ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो वो अपनी भाई की फैमिली को भी खो देंगे और इस बात का पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। उसका बड़ा भाई उससे पैर पर गिर कर भीख मांगता है कि प्लीज हमारी मदद करो, उन्हें शैतान से लड़ना ही होगा क्योंकि वो शैतान हमारी फैमिली को मार डालेगा। अब आगे फादर कैंडल जलाता है और मैरी के ऊपर होली वाटर को फेंकता है। जैसे ही मैरी के ऊपर होली वाटर गिरता है वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। फादर मैरी के सीने में एक क्रॉस को रख देता है और एक स्टिक से उसे मारने लगता है। मैरी दर्द से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो पूछती है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। फादर डैड से पूछता है कि क्या वो सजा जारी रखना चाहता है। डैड ये सोचकर मैरी के पैर को पकड़ लेता है जिससे उसके पैर हिले नहीं। मैरी बहुत ही चिल्ला रही होती है और फादर रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसकी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड रोने लगते हैं। फिर फादर दूसरी स्टिक निकालता है। अब मैरी को इतना दर्द हो रहा था कि वो अब बेहोश हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस को एक गाड़ी मिलती है जिसमें वो सारे फादर मर गए थे, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी फादर जिंदा है। और जैसे उनको गाड़ी से बाहर निकलते हैं वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उसमें डैड का भाई भी होता है। मतलब कि ये आदमी उसका भाई नहीं बल्कि खुद ही शैतान है जो मैरी को लगातार मारे जा रहा है। ये सब देख कर मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो फादर से चिपक कर कहती है कि ये कोई पूजा नहीं है, इससे किसी का भी फायदा नहीं होने वाला, तुम बस लगातार मेरी बेटी को मारे जा रहे हो। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ये सब हम और नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो हम सारे के सारे एक साथ मारे जाएं। लेकिन तभी डैड मॉम को धक्का दे देते हैं और उस शैतान को रिचुअल जारी रखने को कहते हैं। लेकिन तभी डैड को एक आवाज़ आती है जो कहती है कि वो एक डरपोक है और वो एक गलत आदमी का साथ दे रहा है, जिससे डैड को सब समझ आने लगता है। फिर वो
अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है, जिससे डेविल स्माइल करता है। उसकी वाइफ एक कांच का ग्लास उठाती है और अपने हस्बैंड के सर पर मार देती है, जिससे गुस्सा होकर उसका हस्बैंड उसका सर एक दीवार से टकरा देता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। अब हस्बैंड अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरते हुए देखता है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही डरावने स्माइल के साथ उसे देख रहा था। डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शैतान को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन शैतान बहुत ताकतवर है। वो एक चटके में डैड को नीचे गिरा देता है, और जैसे ही वो शैतान डैड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका भाई यानी कि रियल फादर आ जाता है और जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे कि शैतान रुक कर गायब हो जाता है। मैरी अब होश में आ गई थी। वो देखती है तो वो खून से लथपथ है और बहुत ही घायल है। वो अपने डैड को कहती है कि आपने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दी। तभी फादर एक मिरर से कपड़ा हटाते हैं और जैसे ही उसकी रोशनी मैरी पर पड़ती है, उसके अंदर से शैतान निकल जाता है। फादर वो शैतान को अपनी बॉडी में ले लेता है और अपने भाई को कहता है कि वो उसे मार डाले। भाई बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो एक टूटे हुए क्रॉस से फादर के सीने में वार करता है, जिससे कि फादर और शैतान दोनों ही मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।